अफीम माफियाओं के हौसले बुलंद। चतरा में जेसीबी से काटे जा रहे घने जंगल, 3000 एकड़ भूमि पर लगा दी अफीम। राज्य में एक तरफ अफीम माफिया नशे की खेती के लिए जंगल को रौंद रहे हैं, तो वहीं बढ़ते अतिक्रमण के कारण हाथी जंगल से निकल शहरों में इंसानों को रौंद रहे हैं। बात चतरा की करें तो जेसीबी से एक बेखौफ जंगल काटे जा रहे हैं ताकि नशे की खेती कर सकें। अभी 3000 एकड़ भूमि पर अफीम बोई गई है। इस साल अफीम से 1125 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। इसे ना तो वन विभाग रोक पा रहा है और ना पुलिस। पुलिस की कार्रवाई गांव तक सिमटी है, इसलिए जंगल में अफीम की खेती हो रही है। इस साल चतरा, लावलोंग, कुंदा, प्रतापपुर, हटरगंज और कान्हाचट्टी के जंगलों में रिकॉर्ड 3000 एकड़ भूमि पर अफीम लगाई गई है। एक अफीम कारोबारी ने बताया कि एक एकड़ में 75 किलो अफीम तैयार की गई है, जो औसतन 50,000 रुपए किलो बिकती है। प्रति एकड़ 37.50 लाख रुपए की अफीम होती है। 3000 एकड़ भूमि पर 2.25 लाख किलो होगी। इसकी अनुमानित कीमत 1125 करोड़ रुपए होगी। खेती के लिए बिचौलिए मजदूरों को देते हैं प्रतिदिन 1000 रुपए। चतरा में जंगल क्षेत्र से होकर कई नदियां गुजरी हैं। तस्करों ने नदियों के किनारे ही अफीम की खेती की है। नवंबर से जनवरी तक तस्कर खेत तैयार करते हैं। अब इस काम में जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। जंगल में एक साथ कई सप्ताह भर पेड़ काटकर खेत तैयार करते हैं। इसमें स्थानीय मजदूरों की भी जरूरत पड़ती है। इन्हें बाजार से ज्यादा मजदूरी मिलती है। बिचौलिए प्रतिदिन उन्हें 1000 रुपए तक देते हैं।